नागरिकता कानून पर उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और आगरा में R9 टीवी ने कई लोगों से बातचीत की। नागरिकता के सवाल पर क्या कहती है पांच शहरों की आवाज, चलिए आपको सुनवाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तमाम लोग मौजूद हैं। ये एक आम जनता है जो सिर्फ सच जानती है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून पर, NRC पर इन लोगों की क्या राय है। भाऊ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, काफ़ी सीनियर हैं, किस तरह से देखते हैं आप नागरिकता संशोधन कानून को? मुसलमानों को व्यवस्थित भड़काया जा रहा है जी, और इनको समझाना चाहिए जी, सबको फेवर लेना चाहिए। अच्छा, और अगर बात करते हैं बाबू जी हम NRC की, क्या लगता है कि ये कितना सही है, इस पर क्या राय है आपकी? NRC तो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लगता है आपको ऐसा? लगता है ऐसा, भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उन्हें समझाया ठीक से गया तो वो भी मान जाएंगे। तो समाज के लिए कहा जाए कि ये दोनों चीजें सही है? सही है। मैम, कैसे देखती हैं आप CA और NRC को, क्या राय है इस पर आपकी? बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है इससे जो अपने यहाँ इंडिया की जनता है वो सेफ है, वरना बाहर के लोग आके पहले रहेंगे फिर इसके बाद दंगा करेंगे। इससे जो है ये चीज लागू हो जाएगी तो बाहर के लोग आ नहीं पाएंगे, जो यहाँ प्रॉपर रह रहे हैं, जिनको यहाँ रहना है उनको यहाँ की मान्यता मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण रूप से आप इसको सहमत हैं, सही मानती हैं? जी बिल्कुल सही है। मैम से आपसे बात करेंगे, किस तरह से देखती हैं आप इसको, CAA और NRC को, दो लाइनों में बता दीजिए। जो भी आपको, जो भी किया गवर्नमेंट ने ठीक ही किया, मतलब आंख बंद करके आपको सरकार पे भरोसा है कि जो भी उसने किया है वो सही किया? कुछ नहीं कह सकती हूँ ज्यादा, लेकिन ठीक है, जो कुछ किया है ठीक किया है, अपने सरकार के साथ तो है ही है। लगता है आने वाले समय में लोगों को, समाज में रह रहे लोगों को फायदा मिलेगा इसका? जी लगता है, इतना तो भरोसा है जी। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी अपनी सरकार पे पूरा भरोसा करती हूँ। ये जो हमारी सरकार कर रही है, मुझको ज़्यादा नॉलेज NRC इन सब पे नहीं है, पर तब भी मैं जितना जानती हूँ मैं कह रही हूँ, सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। कुछ लोग तो जानते ही नहीं है NRC कैब क्या होता है, पर तब भी बोल रहे हैं हमें इसमें घसीटा जा रहा है, तो उनको कह रही हूँ कि हमारी सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, मैं आग बन करके भरोसा कर रही हूँ। बहुत 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 थैंक यू। आप लोगों ने देखा कि इतनी छोटी सी बच्ची है, क्या उम्र है बेटा आपकी? 8 ईयर्स की है, और इसके अंदर जो कह सकते हैं समझदारी भरी हुई है, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी के अंदर नहीं है, जो साफ तौर पे कह सकते हैं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इस बच्ची ने कह सकते हैं कि उन सबके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। कि आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर CAA और NRC है क्या, आप बताइए ये NRC और CAA के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि अभी NRC लागू नहीं हुआ है, केवल CAA लागू हुआ है। CAA में हर एक आदमी की अपनी अलग अलग ओपिनियन है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने जाना है, उससे किसी भी भारतीय नागरिक को कोई क्षति नहीं होने वाली है, ना उसको कोई दिक्कत आने वाली है, जो नागरिक भारत का नागरिक है। ये दंगा पैदा लाया जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर अब कोई काम किसी की बात बचा नहीं है, सरकार ठीक काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, तो सिर्फ लाइट में आने के लिए सबके सब ढक्कन हो गए हैं, जितनी और पार्टियां राजनीतिक, अब लाइट में आने के लिए दंगा बना करके इसको रॉयट का रूप दे रहे हैं, और कोई बात नहीं इसमें। NRC के साथ साथ CAA को जोड़ना ही गलत हो गया। अगर लोगों के बीच में ये पूरा क्लियर माइंड कर देते कि हम NRC बाद में लगाएंगे और CAA को पहले समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इस दोनों को क्लब करके ले आए सामने प्रस्तुत किया गया है, इसलिए दिक्कतें बढ़ गई। अगर उसके बारे में हम चर्चा ही ना करते अभी NRC के बारे में बिल्कुल भी, हम खाली CAA के बारे में बात करते तो इतना बवाल ना होता। सरकार को क्लैरिटी लाना चाहिए सिटीजन्स के बीच में, कन्फ्यूजन यहाँ तक का है कि जो लोग बोनाफाइडी हैं हिंदुस्तान के, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, यहीं पे एजुकेशन किए, हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको ये कन्फ्यूजन है कि NRC आने के बाद उनको देश से निकाल दिया जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। आप इसी देश में पैदा हुए हैं, आपके पूर्वज भी इसी देश के रहे हैं, तो जो क्वालिफाइड एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इनका भी धर्म बनता है, साथ में सरकार का धर्म तो है ही कि ये कन्फ्यूजन को स्प्रेड न करके लोगों के बीच में क्लेरिफाई करना चाहिए। ये भी जो लागू हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं? उसके हम सोचते ये है कि जिस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, आपस में ये दंगा फैला सब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर से ये अगर लगाया गया तो पहले जनता से
क्षेत्रों से सबसे पहले सारा मसला करना चाहिए था, उनसे बातें लेनी चाहिए थी, उनकी मशवरा लेने, तब ये इनको लागू करना था। अब आज की जो पोजीशन है वो ये है कि शहर में चारों तरफ बलबा फैला हुआ है। सर, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये हमारी समझ से गलत है, जनता को बैठ के सलाह करनी चाहिए। इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत है। मेरे हिसाब से तो जो अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर ये बोला है कि यहाँ के जितने भी भारतीय मुस्लिम हैं उनको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो इस चीज़ को इन लोगों को स्वीकार करना चाहिए और इसमें कोई खामी हमको नज़र नहीं आ रही है जैसा कि वो लोग बता रहे हैं, तो इसका सभी को समर्थन करना चाहिए और जिसकी समझ में नहीं आ रही है उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। सीए के विरोध में जो कानून पास हुआ है, जो विपक्ष कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि ये कानून विपक्ष के सामने लाया गया था संसद में, तब विरोध नहीं हुआ, तो अब ये विरोध गलत हो रहा है। क्योंकि कुछ तो हमारे देश के युवाओं में अधूरा ज्ञान और कुछ विपक्षी पार्टियों बरगलाना उनको, इसी कारण ये देश में दंगे हो रहे हैं और कुछ नहीं। और दूसरा, अगर मैं, मेरा मानना है कि इससे हमारे देश में आतंकी गतिविधियाँ भी कम होंगी, इतना ही कहना चाहूँगा मैं। केवल ये बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है ये क्या चल रहा है, केवल जानकारी की ज़रूरत है जो हमारी न्यूज पब्लिक को बार बार दिखा रही है। अगर ये लागू किया गया था तो इसमें सभी की सलाह मशवरा से किया जाता ज़्यादा बेहतर रहता, ये इतने पमाड़े नहीं होते, इतने बवंडर नहीं होते। अगर सबसे पहले आगाह कर दिया जाता और सबकी सहमति से होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बस यही कहना चाहूँगा। सर, जो ये माहौल बिगड़ रहा है इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं? राजनैतिक कारण है इसके पीछे, और विशेषकर जो वर्ग एनआरसी का विरोध कर रहा है वो अशिक्षित है, इसलिए समूह में अनेकानेक प्रकार के जो है आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट सामने आ रहा है। विरोध करने के अनेकानेक तरीके हैं, शासनिक प्रशासनिक और जो तरीके हो सकते हैं उस प्रकार से विरोध करना चाहिए, तोड़फोड़, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और किसी प्रकार का सभ्य समाज में हिंसा होना ये अच्छा नहीं है, हमारा मानना है। और हमारी समझ से सारे सभ्य समाज के लोगों का यही मानना है कि हिंसा किसी भी समस्या का निदान नहीं है। जो माहौल है वो कहाँ जा रहा है और क्या आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, दिशा क्या दिखा रहा है? दिशा बहुत अच्छी है और सभी दुकानें खुली हैं, शांतिपूर्ण माहौल है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस शांतिपूर्ण माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उनको हमारे और अन्य पढ़े लिखे विद्वान जो है कि सफल नहीं होने दे रहे हैं, ना उनके कृत्यों को सफल होने दे रहे हैं। ताजनगरी आगरा की बात करें तो ताजनगरी आगरा को मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, और इस बार यहाँ के लोगों ने मोहब्बत कहा ही नहीं जा सकता, मोहब्बत करके भी दिखाई है, क्योंकि ताजनगरी आगरा में इस बार हिंसा नहीं हुई है। ताजनगरी आगरा के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सीए बिल पारित होने के बाद एक विशेष समुदाय हिंसा कर रहा है, आपकी क्या राय है? सरकार का जो फैसला है वो एकदम सही है, 90% जनता उनसे संतुष्ट है, लेकिन एक विशेष समुदाय का जो आतंक मचाने वाला अराजक तत्व के लोग हैं, उन्हें विरोधी पार्टियां जिनका वर्चस्व खत्म हो चुका है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला सिस्टम है, वो केवल उन्हें बलगला के ये करना चाहती हैं कि सरकार का वैध संदेश जाए। लेकिन ये दिमाग से निकाल दें कि सरकार के जितना भी विरोधी लोग उद्यम कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा सरकार की छवि अच्छी हो रही है, और निश्चित रूप से अब की बार 2022 में अब की बार 400 पार का आंकड़ा है, ये हमारा नारा। सीए बिल पे हिंसा क्यों, क्या मानना है? सीए बिल का हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि जो उनका यूथ है जो अन्य देशों से आए हुए, वो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मामला से उन्हीं को क्या इंडिया में लाया जाए। इंडिया में ऑलरेडी ये कहीं ये जो इनको अल्पसंख्यक कहते हैं कहीं ना कहीं इनकी संख्या बढ़ चुकी है, फिर भी ये इस भारत देश को भी मुसलमान बनाना चाह रहे हैं। इनके हिंसक बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। क्या जाए कि सरकार बिल्कुल सही कर रही है, इन लोगों को जानकारी नहीं है? सरकार एकदम सही कर रही है, इन लोगों ने बिल को पढ़ा ही नहीं, बिल को पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि भारत का मुसलमान एकदम सेफ है।
हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप बताइए क्या हिंसा सही है बिल्कुल, जो हिंसा कर रहे हैं गलत है? सीए बिल को लेकर आपका क्या राय है? जो हमारे एक्सपर्ट ने और विधानसभा में जो बनाया है वो देश हित में और जनता के हित में अच्छा ही किया है। जो एक विशेष समुदाय को पता नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है, वो भड़काऊ बयानों में आकर के ऐसी गलत काम कर रहे हैं। आप बताइए सीए बिल को लेकर आप क्या राय है? सरकार ने अब तक जितने भी फैसले लिए देश के हित में लिए हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, 370 का मुद्दा रहा हो, या अभी जो दो नए बिल पारित किए वो मुद्दा रहा हो, लेकिन कुछ अराजकता तो जिनको की ज्ञानी नहीं है, वो शिक्षित नहीं है। सबसे बड़ी समस्या कि वो शिक्षित नहीं है, जिस कारण से वो उसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध उनका नाजायज है, ये बिल्कुल भी सरकार के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। तो इन पांच शहरों की आवाज हमने आपको सुनवाई, और R9 टीवी भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दे, पहले कानून को समझे, और अगर समझने के बाद भी आपको लगता है कि विरोध दर्ज कराना चाहिए तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराइए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं आपका फायदा राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो नहीं उठा रही है। फिलहाल हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।